लालकुआ में पिछले 18 दिनों से एक बुजुर्ग मोहन चंद्र लापता है, जिनके परिजनों ने ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश सचिव सीमा पाठक के नेतृत्व में पुलिस क्षेत्र अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए लापता बुजुर्गों को खोजने की मांग की है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत जयपुर खीमा के धनपुर गांव निवासी मोहन चंद्र 29 सितंबर से लापता है, जिनकी खोजबीन में जुटे परिजनों ने 2 अक्टूबर को लालकुआ कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद परेशान परिजनों ने सीओ से मुलाकात कर जल्द खोजने की मांग की है, नहीं तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने आक्रोशित परिजनों और ग्राम प्रधान को आश्वासन देते हुए मामले की छानबीन करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही बारीकी से जांच करने के निर्देश देते हुए उत्तराखंड यूपी सहित आसपास के थानों में सूचना भेजने के दिशा निर्देश दिए हैं। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। जैसे बगल का जो उत्तर प्रदेश है उसके जो जितने भी जिले और थाने हैं वहां तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है, और बाकी जैसे रेलवे स्टेशन हुआ, बस स्टैंड हुआ, टैक्सी यूनियन हुआ, ऑटो यूनियन हुआ, तो इनसे भी हम जो लोग जो हैं इनका पोस्टर दिखाते हैं और उस तारीख के आसपास की पूछताछ कर रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ देखा सुना या कहीं इनको देखा हो तो वो हम तक खबर पहुंचाए, इनके परिवार को पता है मेरे। और आज इनको 20 दिन हो गए लापता हुए, पुलिस से बहुत उम्मीद थी लेकिन अभी तक कोई सफलता हमें मिली नहीं है। आज सीओ ऑफिस में हम ज्ञापन देने आए थे प्रधान जी के माध्यम से, तो आश्वासन बहुत दिया, उम्मीद बहुत है सीओ साहब से हमें कि वो जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। ग्राम धनपुर से मोहन चंद जोशी जी विगत कई दिनों से लापता हैं, जिनको आज खोए हुए 18-19 दिन हो गए, और जिस चक्कर जिसकी वजह से हम लोग आज सीओ साहब को ज्ञापन देने आए हैं। और ग्रामीणों ने काफी जगह इच्छा बरेली हर जगह यहाँ पे जहाँ जहाँ तक हो सके ढूंढने की कोशिश करी है, लेकिन अभी तो उनका कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है।